हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एएस फ्लेवर फ्यूज़न। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी स्नैप्स रेसिपी। ये बहुत क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी चटपटी बनकर तैयार होगी। ब्रेड एकदम नया नाश्ता जो पहले नहीं खाया होगा। एक बार बनाकर देखिए, सैंडविच खाना भूल जाएंगे, बच्चों के साथ साथ बड़े भी इंजॉय करने वाले हैं। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल में 3 से 4 उबले हुए आलू लेंगे, उनको अच्छे से मैश करेंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे, उसको बारीक कट करेंगे। बारीक कट किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। 3 से 4 बारीक कट की हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। इसको चटपटा बनाने के लिए कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/2 स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 स्पून नमक ऐड करेंगे। 1/2 स्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। 1/2 स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 स्पून इमली पाउडर ऐड करेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 स्पून चावलों का आटा ऐड करेंगे। अगर हो तो ऐड कर सकते हो, अगर ना हो तो चलेगा, क्योंकि उससे एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, आलू का मिक्सचर रेडी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। 4 से 5 ब्रेड के स्लाइस लेंगे, उनके कॉर्नर्स कट करेंगे। ब्रेड के स्लाइस पर आलू के मिक्सचर की लेयर लगाएंगे, इसको अच्छे से फैलाएंगे। ये देखिए, अच्छे से लेयर लग चुकी हैं। इनको 2 पीसेज में कट करेंगे। एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे, उसको एक कॉर्नर्स को उठाकर दूसरे कॉर्नर्स तक रोल करेंगे। ऐसे अच्छे से सील करेंगे और एक स्टिक की हेल्प से, बारीक वाली स्टिक आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगी, इसको ऐसे सील कर देंगे। इससे क्या होगा, ऑयल में खुलेगा नहीं, सेट हो जाएगा इससे। ये देखिए, सभी पीसेस रेडी हैं। चलते हैं नेक्स्ट। 1 स्पून मैदा लेंगे, 1 स्पून बेसन लेंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारा बैटर रेडी है। चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, ब्रेड का स्लाइस लेंगे, उसको मैदे वाले मिक्सचर में अच्छे से डीप करेंगे और ब्रेड क्रम में अच्छे से कोटिंग करेंगे। ये देखिए, ऑयल में ऐड करेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाए, इसको दूसरी साइड से पलट लेंगे। दोनों साइड से इसको ऐसे ही अलटते पलटते फ्राई करते जाएंगे, जब तक हल्का सा ब्राउन कलर ना जाए। गाइस, ये इतने टेस्टी, इतने मज़ेदार, इतने क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। इनको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चों के साथ बड़े भी इंजॉय करेंगे। बारिश के मौसम में और इनका टेस्ट दोगुना हो जाता है। ये देखिए, ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे, एक झरनी की हेल्प से निकालेंगे, जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाएगा। इतने टेस्टी, इतने मज़ेदार, इनको रेड चटनी के साथ सर्व करेंगे, इनका टेस्ट दोगुना हो जाएगा। झटपट से तैयार, इनको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। गाइस, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।